अरे भाई साहब, अब अपना पवन भैया का ट्रेलर रिलीज हुआ था, देखे थे ना कितना हुआ था? अभी जाकर देख लो क्या 3 मिलियन हुआ है। अरे विजय थालापति के देख लो, ये पगला ही न गया है भाई। 1 घंटा के अंदर में 10 मिलियन लोग सुन लिया, देख लिया। और जिसका भाषा समझ में नहीं आ रहा है वो भी जाकर लाइक करके आ रहा है। क्या कर लिए उसे तो आप, मतलब पवन भैया 1 दिन के अंदर में 4 मिलियन चौक गया। अब आप लोग भी सोच रहे हैं कि इन लोगों का इतना साउथ होला के भाड़ा क्यों है जहाँ बैठा है गिरा हुआ। 2013 से विजय थालापति के फॉलो कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर, आए बाद में तो 1 दिन के अंदर में जानते हो कितना फॉलोअर मिला? 6 मिलियन, 6.5 मिलियन विजय थालापति का। वहाँ के जनसंख्या हम लोगों से कम है, फिर भी यह भोजपुरी स्टार पवन भैया अपना बिहार यूपी के लेकर लेके चलते हैं। यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है, नेपाल भी हम लोगों का भोजपुरी गाना सुनते हैं, कुछ कोलकाता में भी भोजपुरी गाना सुनते हैं। इतना जनसंख्या होने के बाद भी टेलर का रिस्पॉन्स जानते हो 4 मिलियन था। अभी 4 मिलियन नहीं होगा, 3 मिलियन होगा अभी शायद 2 चैनल पर, और विजय थालापति के 4 से 5 चैनल पर छोड़ा, सब पर रिस्पॉन्स बराबर। 1 घंटा के अंदर में 6 बजे सुबह 7 बजे का मैंने स्क्रीन शॉट लिया, 1 घंटा में मैंने स्क्रीन शॉट रखा है, 10 मिलियन देखो। और अभी क्या हुआ ना कि रियल टाइम व्यूअर्स नहीं दिखा रहा है, पोस्टर में डाल दिया है 10 मिलियन हो गया है, 1.5 मिलियन व्यूअर्स है। ये ऐड पर नहीं है, जनता का खुद का डिसाइडेड है। अब इन लोगों को मिलता कहाँ से फाइन इतना, क्योंकि ये लोग जनता से कनेक्टेड रहते हैं, अपने लोकल इलाका में लोकल लोगों से काम करते हैं। वहाँ पर लोग इनको भगवान की तरह पूजते हैं, ये नहीं कि ऊपर की तरह भैया ने फिल्म दे दिया हम भगवान उनको मान रहे हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं है। खुद जाते हैं, कितना वहाँ विजय सर बोलते हैं, कितना को भगवान मानते हैं, दूर से लोग पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता के बीच जाकर उनका मेन मुद्दा जो होता है, वहाँ पर ये लोग काम भी करते हैं। जैसे कोई गरीब हो गया, पढ़ने लिखने का पैसा नहीं है, तो खुद मदद करते हैं, ऐसे ऐसे काम इन लोगों का बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए जनता एकदम घर घर में सब लोग कनेक्ट रहते हैं। अब समझ जाओ कि जो भाषा समझ में नहीं आता है उनका रिस्पॉन्स ये रहा। हमारे भोजपुरी स्टार गाना के लिए लाइव आएंगे, अचानक से डायलॉग बोलेंगे, अचानक से ना जाने क्या करेंगे, लेकिन क्या कभी आपके लोकल इलाका में घूमने तक गए सिनेमाघर में? नहीं। क्यों? क्या मतलब बनता है? और ये बात बोल दो तो भाई 10,000 20,000 जो फैन रहते हैं, या 30,000 जो होते हैं, या 1 लाख होते हैं फैन, उनको बुरा लग जाता है भैया के टारगेट का दलील से। ये टारगेट नहीं है भाई, बस आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत कर दो ना, तो आपके लोकल इलाका में लोकल सिनेमाघर में स्टार चौंकने लगेंगे, और फिर भोजपुरी का परिस्थिति बदल जाएगा। जो भैया का फॉलोअर दिख रहा है 3 मिलियन 4 मिलियन, वो फॉलोअर सीधे 10 मिलियन पर नजर आएगा, भोजपुरी का रुतबा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यूपी बिहार की जनसंख्या कम नहीं होता है। बस ये लोग घर से या शूटिंग से या एसी रूम से निकल के रोड पर आए तब तक, लेकिन आएंगे नहीं, बस इन लोगों का काम है लाइव आकर, हो गया बस फिल्म प्रमोशन दैन। तो इसके लिए थोड़ा सा माइंड को भी बढ़ाना पड़ेगा, बस इतना दुनिया में रह जाओगे तो बस भोजपुरी इतना ही दूर में। इन लोग कितना दिन, कोई भी किसी का उम्र 60 से 70 वर्ष होता है, आधा उम्र तो जी लिया और आधा उम्र बाकी है, इतना में ही भोजपुरी को आगे बढ़ाना है तो कुछ लोग अलग ये काम कर सकते हैं। अब काम करने के बारे हर हर गंगे मूवी से है, चाहे तो ये कर सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कभी बंदा नहीं कर पाएगा। सो आगे देखते हैं भाई क्या होता है। नमस्कार।